टोक्यो ओलंपिक में आपने देखा कि हर देश के खिलाड़ियों ने जी जान लगाई है ताकि उनको मेडल मिल सके। लेकिन जब हम अब ये मेडल देख रहे हैं तो सबके मन में सवाल खड़ा होता है कि इन मेडल्स की कीमत क्या होती है। वैसे तो ओलंपिक के मेडल अनमोल होते ही हैं, बड़ी त्याग तपस्या और मेहनत से मिलते हैं। लेकिन सवाल वही कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल में आखिर गोल्ड कितना होता है, ये बनते कैसे हैं? और इस बार टोक्यो ओलंपिक इस मामले में दुनिया से कहीं आगे क्यों है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो हर किसी को हैरान कर देगा, क्योंकि अब तक आपने खिलाड़ियों को मेडल पहनते देखा है लेकिन इन मेडल्स की असली कहानी कभी नहीं जानी होगी। तो दोस्तों, दुनिया भर में ओलंपिक गोल्ड सबसे बड़ी खेल उपलब्धि है। इसके सामने किसी खेल की विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी कम ही लगता है। लेकिन आपको बता दें कि ये गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड से नहीं बनता है, बल्कि ये मेडल सिल्वर का होता है जिस पर सोने की सिर्फ पॉलिश होती है। 1912 के स्टॉकहोम गेम्स में ही आखिरी बार प्योर गोल्ड के मेडल्स दिए गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के 10 नियमों के आधार पर मेडल्स बन रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के नियम कहते हैं कि गोल्ड मेडल में कम से कम 6 ग्राम सोना होना चाहिए, बाकी हिस्सा तो चांदी का ही होता है। IOC की गाइडलाइन कहती है कि ओलंपिक मेडल्स का व्यास यानी डायमीटर 60 मिलीमीटर और मोटाई 3 मिलीमीटर होनी जरूरी है। इसके साथ साथ IOC की गाइडलाइन के मुताबिक मेडल के एक तरफ जीत के ग्रीक देवता नाइकी की तस्वीर होना चाहिए। साथ ही पनाथी नाइकोस स्टेडियम, जहां 1896 में पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, वो भी होना चाहिए। साथ ही एक तरफ गेम्स का ऑफिशियल लोगो और नाम होना चाहिए। खैर, ये तो हुई नियमों की बात। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में दिए गए मेडल्स की, जो बेहद अनोखे अंदाज में बनाए गए हैं। इनमें इस बार काफी कुछ नया है। इस प्रतियोगिता में दोस्तों 3 मेडल यानी पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा ब्रॉन्ज दिया गया है। लेकिन इनको बनाने में जापान ने वो दिमाग लगा दिया है जिसके बल पर वो दुनिया पर राज करता रहता है। खुद टोक्यो ओलंपिक टीम ने बताया है कि ओलंपिक मेडल्स को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए। पुराने फोन्स और छोटे मोटे बिजली के उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिसाइकिल करके इन मेडल्स को बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि विजेताओं को जो मेडल मिल रहे हैं वो शुद्ध सोने, चांदी या ब्रॉन्ज से नहीं, बल्कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन, लैपटॉप को रिसाइकिल करके बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट, जिस पर जापान में साल 2017 से लेकर 2019 तक काम चला। इस काम के लिए जापान की 1621 नगर पालिकाओं ने मिलकर करीब 78,985 टन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सामान जोड़ा। पूरे जापान में मौजूद NTT डोकोमो रिटेल स्टोर्स ने करीब 62 लाख फोन कलेक्ट किए। इसके बाद इन सभी मेडल को पिघलाकर मेडल बनाए गए। यानी जापान वालों ने ओलंपिक क्या आयोजित किया, बल्कि दुनिया को अपने इनोवेटिव आइडिया से भी रूबरू करवा दिया।